शहर समेत राज्य में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। इस बीच बीसीएन न्यूज के संवाददाता संजय मिरे से बातचीत के दरमियान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल की स्थिति में महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पेश है जालना से हमारे संवाददाता संजय मिरे की ये रिपोर्ट। शहर समेत संपूर्ण राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शहर में दिसंबर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जीरो था, लेकिन नए वर्ष में मृतकों का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की जान चली गई। इनमें सिटी के 10 और बाहरी जिलों की 4 मरीजों का समावेश रहा। अचानक मौतों का आंकड़ा बढ़ने से प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच बीसीएन न्यूज के संवाददाता संजय मिरे से बातचीत के दरमियान महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल की स्थिति में महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और बेड है, जिसके चलते वर्तमान स्थिति में राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है। पेश है जालना से हमारे संवाददाता संजय मिरे की ये रिपोर्ट। आप स्वास्थ्य मंत्री हो, क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र राज्य की कोरोना की स्थिति क्या बनी हुई है अभी? कोरोना में संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन होने का जो प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत कम है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन का काम निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना ज़रूरी है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रोज़ाना 42,000 के ऊपर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और हम पूरा उस पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। सर, क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है? लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा आज की तारीख में, क्योंकि वैसी कोई स्थिति नहीं है। लॉकडाउन के लिए कोई अलग नियम होते हैं कि जैसा ऑक्सीजन का अगर कंजम्पशन बढ़ता है, बेड का ऑक्यूपेंसी बढ़ता है, तभी लॉकडाउन के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन आज कुछ हद तक हमने रेस्ट्रिक्शंस लिए निर्माण किए हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शंस का अनुपालन करना जरूरी है, उतना ही मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, जीर्णोद्धाराबद्दल सांगा सर, आजच्या कार्यक्रमाबद्दल। आज या ठिकाणी 108 कोटी नामस्मरण मंदिराचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे, आणि सर्व भक्तगण आपल्या आपल्या पद्धतीनं ज्यांनी नामस्मरण केलं त्यांनाच दगड देण्याचा अधिकार आहे, आणि या दगड देण्याच्या अधिकारातूनच हे मंदिर उभारलं जाणार आहे, हे वेगळे पण निश्चित प्रकारे मंदिराचं आहे, आणि या कार्यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। साहेब, शासन प्रशासन किती मदत करणार आहे या खणेपुरीच्या मंदिराकरता? नाही, खणेपुरी एक तीर्थक्षेत्र आहे, मंदिरासाठी डायरेक्टली मदत करता येत नसते, परंतु तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी शासन मदत करेल। सर, परमेश्वर काय सगळं टाकतं कोरोनासाठी? कोरोना पूर्ण मुक्त व्हायला पाहिजे, एवढंच माझी अपेक्षा राहील। धन्यवाद। तो आप थे राजेश टोपे, जिन्होंने बखूबी व्यापक के साथ बात करते हुए कहा कि खनीपुर के भगवान सर्वोदय श्री चक्रधर स्वामी जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ वहाँ उन्होंने भगवान से ये बात कही है कि कोरोना जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों के कामकाज काफ़ी प्रभावित होते हैं, ऐसे में लोगों को एक राहत भरी सांस मिले। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी हालत में नागपुर शहर हो या राज्य में हो, लॉकडाउन नहीं लगेगा, बावजूद उसके लोगों ने भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो दर्शकों, हमने जालना से जाकर यहाँ के राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश जी टोपे साहब, इनसे हम मिले, उनसे बातचीत की, और उनको जब कोरोना के बारे में हमने जब उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों ने वहाँ पूरे एहतियात बरतना चाहिए, और कोरोना का यदि रोकथाम करना है तो सबने मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस ही रखना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रश्न में जब हमने पूछा क्या राज्य में लॉकडाउन लगेगा क्या, तो इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि किसी भी सूरत में यहाँ पे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। वे जालना के एक प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे खनीपुरी का मंदिर है, भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज, इनका क्या इनके लिए आप प्रे करना चाहोगे? तब उन्होंने ये कहा कि पूरा राज्य हो, देश हो या पूरा विश्व, कोरोना से मुक्त होना चाहिए, यही उन्होंने भगवान के चरणों में मांग की है। जालना से संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़, नागपुर। We'll be right back.